हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट SVJ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी बैन के बारे में। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि पबजी बैन हो चुकी है इंडिया में। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि फ्री फायर भी बैन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वीडियो को पूरा देखना तभी आप सब कुछ जान पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पबजी बैन के बारे में। आप सभी लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि पबजी इंडिया में बैन हो चुकी है। तो गाइस, ये बैन क्यों हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पबजी मोबाइल है, इसमें जो एक टेंसेंट गेमिंग जो कि चाइनीज़ कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाई गई है। आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई ये एक चाइनीज़ ऐप नहीं यार, कि ये तो एक ब्लू होल है कंपनी जिसके द्वारा बनाई गई है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लू होल कंपनी है वो कोरियन कंपनी है, आप सही कह रहे हो। लेकिन गाइस, उन्होंने बनाई थी पबजी PC, और जब उनको पब्लिश करनी थी पबजी मोबाइल, मतलब बनानी थी, तो वो गए टेंसेंट गेमिंग के पास और उनसे हाथ मिलाया और उन दोनों ने ही इसको साथ में डेवलप किया और तब पब्लिश किया। तो गाइस, इसलिए ये डायरेक्टली नहीं लेकिन मतलब आधी एक चाइनीज़ कंपनी है, और इसमें काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी मतलब इंस्टॉल जो भी डाला जाता है उसमें चाइना का भी काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो जिस कारण से फ्रेंड इसको इंडिया में बैन किया गया है। तो गाइस, अब बात करते हैं फ्री फायर के बारे में, जिसको आप सभी देखने आए हैं यहाँ पर, मतलब कि आप देखने आए होंगे कि फ्री फायर बैन होगी या नहीं। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं यार कि फ्री फायर बैन नहीं होगी। 80% चांसेस है कि फ्री फायर बैन नहीं होगी। 80 का 90% चांस रखो आपकी फ्री फायर बैन नहीं होगी, क्योंकि गाइस जो कि इसकी जो सबसे पहली बात जो इसके डेवलपर है वो है ट्रिपल वन डॉट स्टूडियोज़। तो गाइस, ये जो स्टूडियो है, मतलब जो कंपनी है, ये है एक वियतनाम की कंपनी यार, चाइनीज़ कंपनी बिल्कुल नहीं यार, मतलब वियतनाम की कंपनी है एक जिन्होंने इसको डेवलप किया है। और गाइस, उसके बाद आती है पब्लिशर जो इसको पब्लिश करती है गाइस, वो कंपनी है आपकी करेना फ्री फायर, आप सभी जानते होंगे, जिसको कि सा कंपनी है फ्रेंड्स, एक सा। तो गाइस, इसको करेना फ्री फायर के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, ये इसके पब्लिशर है, मतलब जो इसको पूरी दुनिया में पब्लिश करते हैं वो है आपके करेना फ्री फायर, मतलब करेना जो इसके स्टूडियो है, मतलब जो भी है, करेना एक कंपनी है जो कि इसको पूरे दुनिया में पब्लिश करती है। तो गाइस, उसके बाद जो तीसरा आता है जो कि है इन्वेस्टर में गाइस, जो टेंसेंट कंपनी है उसका थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी एक हाथ है जो कि पैसा इन्वेस्ट करती है इस कंपनी में। लेकिन गाइस, मैं सभी को बता दूं, जिस तरीके से पबजी में टेंसेंट गेमिंग ने उसे डेवलप किया है, उसमें मतलब जो भी उनके ऐप्स है, जो भी मतलब वो सोचते हैं उसमें डाल सकते हैं, कुछ भी ब्लॉटवेयर्स या कुछ भी मतलब डाल सकते हैं उसमें। लेकिन गाइस, फ्री फायर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको जो पब्लिशर है और जो डेवलपर है वो दोनों ही चाइना से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार। सिर्फ जो उसमें पैसा लगाते हैं, मतलब जो कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो है सिर्फ चाइनीज़ कंपनी। और गाइस, उनके हाथ में ये कुछ भी नहीं है फ्री फायर का, मतलब जो भी फ्री फायर के अंदर होता है कोडिंग, जो भी मतलब जो भी है सॉफ्टवेयर, जो भी मतलब उसके अंदर डलता है ब्लॉटवेयर, जो भी है, तो गाइस वो चाइना के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। गाइस, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं यार, क्योंकि चाइना के हाथ में कुछ है ही नहीं, मतलब वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करती है, उनको सिर्फ प्रॉफिट होता है या फिर जो भी वो कमाती है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनको मिलता है। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार कि उसमें मतलब फ्री फायर की ऐप या गेम में वो कुछ भी ऐसा कोई भी मतलब उनका डाटा लीक नहीं कर सकता या फिर डाटा उनको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगी बिना फ्री फायर, क्योंकि उसमें उनका कोई भी मतलब इंटरफेरेंस नहीं है। तो गाइस, आपको यार डरने की कोई ज़रूरत नहीं यार, क्योंकि फ्री फायर बैन नहीं होने वाली, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा सुनकर कि फ्री जो पबजी है वो बैन हुई है, और आप डर तो नहीं गए थे कि फ्री फायर भी बैन हो सकती है। तो गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्री फायर बैन नहीं होने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।